हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग डिस्कस करेंगे कंट्रोल स्ट्रक्चर्स कैसे यूज़ किए जाते हैं एल्गोरिथम में। तो देखिए, एवरी लैंग्वेज सपोर्ट सीक्वेंस कंट्रोल स्ट्रक्चर्स। दीज स्ट्रक्चर्स कैन बी इजली यूज टू सॉल्व ए गिवन प्रॉब्लम। यानी कंट्रोल स्ट्रक्चर जो यूज़ किए जाते हैं वो हेल्पफुल रहते हैं किसी भी पर्टिकुलर प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। आज हम लोग बात करेंगे कि कितने तरह के कंट्रोल स्ट्रक्चर होते हैं और कैसे इनको यूज़ किया जाता है। ठीक है, अब इसमें क्या है कि जैसे पहला जो पहले टाइप का होता है वो कहलाता है सीक्वेंस स्ट्रक्चर। ठीक है, फर्स्ट वन इज कॉल्ड सीक्वेंस स्ट्रक्चर। सीक्वेंस स्ट्रक्चर में क्या होता है कि जिस ऑर्डर में द ऑर्डर इन विच द स्टेटमेंट्स और स्टेटमेंट ब्लॉक्स आर रिटेन इन एल्गोरिथम आर सिक्वेंशली एग्जीक्यूटेड बाई द कंप्यूटर। मतलब किसी भी एल्गोरिथम में जिस सिक्वेंस में और स्टेटमेंट्स लिखे जाते हैं, जैसे मान लीजिए स्टेटमेंट 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, इस तरह, या ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट ऐसे है, फिर मान लीजिए एक आया उसके बाद फिर ये ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट इस तरह लिखा हुआ है। ठीक है, तो जिस ऑर्डर में ये स्टेटमेंट्स लिखे जाते हैं उस ऑर्डर में ही वो एग्जीक्यूट किए जाते हैं। ठीक है, तो ये सीक्वेंस स्ट्रक्चर होता है। अगर इसको हम एक एग्जांपल लेके आपको समझाएं कि सपोज कीजिए, मान लीजिए हमें कैलकुलेट करना है, हमें एक एल्गोरिथम लिखना है, राइट एन एल्गोरिथम दैट कंप्यूट्स द एरिया ऑफ ए ट्राइंगल। ठीक है, मान लीजिए क्वेश्चन ये है, राइट एन एल्गोरिथम सॉरी राइट एन एल्गोरिथम टू कंप्यूट एरिया ऑफ ए ट्राइंगल। इसकी हमको एल्गोरिथम लिखना है। तो देखिए, अब इसको कैसे लिखेंगे, सबसे पहले हमें फार्मूला पता होना चाहिए। तो हमें मालूम है कि एरिया, ट्राइंगल के एरिया का फार्मूला क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ठीक है, ये फार्मूला होता है। यानी अगर हमें बेस और हाइट पता हो तो जो है हम एरिया कैलकुलेट कर सकते हैं। तो अब इसका अगर हम एल्गोरिथम लिखेंगे, तो सपोज कीजिए इसका अगर हम एल्गोरिथम लिखेंगे तो किस तरह लिखाएगा। अगर हमने लिखा यहाँ पे इसकी एल्गोरिथम कैसे लिखेंगे, सबसे पहले स्टेप वन में हम क्या करेंगे, हमें बेस और हाइट चाहिए। तो स्टेप वन में हमने लिखा रीड। ठीक है, चाहे रीड लिखिए, कहीं से लेना है चाहे इनपुट लिखिए, रीड बेस कॉमा हाइट, ये पहला स्टेप हो गया। स्टेप टू में हम क्या करेंगे, स्टेप टू में हम कैलकुलेट करेंगे एरिया। हमने लिख दिया एरिया इज इक्वल टू 0.5 इंटू बेस इंटू हाइट, ये हमने कैलकुलेट कर लिया। स्टेप थ्री में हमने एरिया को प्रिंट करा दिया, तो हमने लिखा प्रिंट एरिया, रिजल्ट जो है प्रिंट हो गया। और स्टेप फोर में हम एल्गोरिथम को एंड कर देंगे, तो ये हमने लिख दिया स्टॉप। तो इस तरह से हम एल्गोरिथम लिखेंगे। और इसमें क्या होगा कि देखिए, इसमें जो खास चीज़ आपको ध्यान देने वाली है इस एल्गोरिथम में, वो ये है कि सबसे पहला पॉइंट तो क्या है कि द स्टेटमेंट्स आर एग्जीक्यूटेड सिक्वेंशियली। मतलब सबसे पहले ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा, फिर ये और फिर ये एंड हो जाएगा। ठीक, सेकंड क्या है, द स्टेटमेंट्स आर एग्जीक्यूटेड वन एट ए टाइम। पहली बात तो ये है कि इसी ऑर्डर में एग्जीक्यूट होगा। दूसरा क्या है कि एक बार में एक ही स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा। तीसरा क्या है कि हर एक स्टेटमेंट केवल एक बार एग्जीक्यूट होगा। क्लियर। चौथा क्या है पॉइंट ध्यान देने वाला कि नो स्टेटमेंट इज रिपीटेड, कि कोई भी स्टेटमेंट रिपीट नहीं होगा। और लास्ट पॉइंट क्या है, द एग्जीक्यूशन ऑफ द लास्ट स्टेटमेंट मार्क्स द एंड ऑफ द सिक्वेंशियल स्ट्रक्चर। ये जो लास्ट स्टेटमेंट है ये बताएगा कि भाई ये सिक्वेंशियल स्ट्रक्चर यहाँ खत्म हो रहा है। तो ये चीज़ें आपको ध्यान देने वाली हैं। पहला क्या कि स्टेटमेंट्स आर एग्जीक्यूटेड सिक्वेंशियली। सेकेंड क्या है, वन एट ए टाइम। थर्ड क्या है, वन स्टेटमेंट ओनली वन टाइम। ठीक है, फोर्थ क्या है, नो स्टेटमेंट इज रिपीटेड। और फिफ्थ क्या है कि द एग्जीक्यूशन ऑफ लास्ट स्टेटमेंट मार्क्स द एंड ऑफ द सिक्वेंशियल स्ट्रक्चर। तो ये तो पहला तो हो गया आपका ये सिक्वेंस स्ट्रक्चर। अब दूसरे तरह के स्ट्रक्चर पे आइए, दूसरा होता है, दूसरा क्या होता है, दूसरा होता है सिलेक्शन स्ट्रक्चर। ठीक है, इसको सिलेक्शन स्ट्रक्चर को ये भी लिखते हैं। मान लीजिए सेकेंड हमने लिखा सेलेक्शन, सेलेक्शन को आप ये भी लिख सकते हैं कंडीशनल कंट्रोल, कंडीशनल
कंट्रोल स्ट्रक्चर, ठीक है। अभी जो कंडीशनल कंट्रोल स्ट्रक्चर होता है या सिलेक्शन स्ट्रक्चर होता है, इसमें क्या खास बात होती है ये आप देखिए। इसमें क्या होता है कि द सिलेक्शन और डिसीजन स्ट्रक्चर इज यूज टू डिसाइड वेदर ए स्टेटमेंट और ए ब्लॉक इज टू बी एग्जीक्यूटेड और नॉट, ठीक है। इसमें क्या होता है कि सिलेक्शन एक डिसीजन स्ट्रक्चर में ये स्ट्रक्चर इसलिए यूज़ किया जाता है ये डिसाइड करने के लिए कि कोई स्टेटमेंट या ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट होगा या नहीं। तो द डिसीजन इज मेड बाय टेस्टिंग ए कंडीशन बीइंग ट्रू और फॉल्स, मतलब इसमें कोई कंडीशन चेक होती है, अगर वो ट्रू रहती है तो ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा और फॉल्स रहती है तो नहीं होगा। अब इसकी हम लोग एग्जाम्पल की बात करें तो इसकी एग्जाम्पल हम लेते हैं। मान लीजिए हमने कहा राइट एन एल्गोरिथम दैट प्रिंट्स बिगर ऑफ एनी गिवन टू यूनिक नंबर। मान लीजिए हमने क्वेश्चन लिखा कि राइट एन एल्गोरिथम दैट प्रिंट्स बिगर ऑफ एनी गिवन टू यूनिक नंबर, मतलब दो नंबर हम इंटर करेंगे बिगर ऑफ एनी गिवन टू यूनिक नंबर्स। दो नंबर हम इनपुट करेंगे, दोनों में जो बड़ा होगा वो प्रिंट कर देगा, ये चाहिए हमको। तो अब देखिए पहले इसमें आपको इनपुट क्या करना होगा, तो पहले आप इनपुट लिखिए क्या होगा टू नंबर्स। तो इसमें हम दो नंबर्स हम इनपुट करेंगे। मान लीजिए हमने उनको नाम दिया नम वन और नम टू, ठीक। आउटपुट हमको क्या चाहिए, आउटपुट हमको चाहिए डिस्प्ले द बिगर ऑफ द टू नंबर, दोनों में से जो बड़ा हो वो हमको आउटपुट में चाहिए, डिस्प्ले द बिगर ऑफ द टू नंबर, जो बड़ा हो बिगर ऑफ द टू नंबर वो हमको आउटपुट में चाहिए होगा। तो अब इसको हम कैसे करेंगे कि इनपुट क्या करना है, तो इनपुट हमें मालूम है कि क्या करना है, दो नंबर करना है, टू नंबर्स हम इनपुट करेंगे और उसका हमने नाम रख दिया नम वन और नम टू, ठीक। आउटपुट हमको क्या चाहिए, आउटपुट इन दोनों में से जो बिगर नंबर वो हमें आउटपुट में चाहिए, ठीक। अब इसके लिए क्या होगा, इसके लिए अगर हम एल्गोरिथम लिखेंगे तो इसके लिए देखिए एल्गोरिथम इस तरह लिखी जाएगी एल्गोरिथम, ठीक है। अब इसमें स्टेप वन पहले आप लिखिए, तो हमने कहा स्टेप वन में क्या होगा, स्टेप वन में दोनों नंबर इनपुट कराने होंगे। सबसे पहले हमने कहा कि रीड नम वन एंड नम टू, ये दोनों नंबर हमने रीड कर लिए। फिर अब स्टेप टू में हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमने लगाया कंडीशन इफ। अब हमने कहा कि अगर नम वन बड़ा है टू से, नम वन इज ग्रेटर देन नम टू, तो क्या होगा, 2.1 में हम बना देंगे कि प्रिंट कर देंगे नम वन इज, इसमें हम प्रिंट कर देंगे नम वन इज बिगर, ये प्रिंट हो जाएगा। और नहीं, मान लीजिए ये कंडीशन नहीं फुलफिल होगी, फॉल्स रहेगी, तो क्या होगा, हम प्रिंट कर देंगे एल्स प्रिंट नम टू इज बिगर, ठीक है, ये हो जाएगा। अब उसके बाद यहाँ पे स्टेप थ्री में, यहाँ पे हो जाएगा स्टेप थ्री और यहाँ पे एल्गोरिथम एंड हो जाएगी। तो अब देखिए इसमें क्या होगा, रीड नंबर, मान लीजिए दो नंबर हमने इनपुट किए 3 और 5, तो 3 और 5 ये रीड हो गए। यहाँ पे चेक करेगा इफ नम वन इज ग्रेटर देन नम टू, तो इफ 3 इज ग्रेटर देन 5 तो ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा, नहीं तो ये, तो यहाँ पे ये प्रिंट हो जाएगा नम टू इज बिगर। तो इस तरह के जो स्ट्रक्चर होते हैं इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम बोलते हैं कंडीशनल कंट्रोल या सिलेक्शन स्ट्रक्चर। मतलब इसमें अगर ये कंडीशन ट्रू होगी तभी ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा, अदरवाइज ये, तो इसीलिए इसको कंडीशनल कंट्रोल कहते हैं।
अब मान लीजिए इसी को समझने के लिए हम एक एग्जांपल और ले लेते हैं। सपोज कीजिए इसमें हमें क्या करना है, राइट एन एल्गोरिथम दैट प्रिंट्स बिगेस्ट ऑफ गिवन थ्री यूनिक नंबर। अब तीन नंबर में हमें बिगेस्ट निकालना है, ठीक है। ये जो क्वेश्चन है राइट एन एल्गोरिथम, ठीक है, दैट प्रिंट्स बिगेस्ट ऑफ गिवन थ्री नंबर। अब तीन नंबर हम इनपुट करेंगे और उसमें से जो बिगेस्ट होगा वो हमको फाइंड आउट करना है। अब इसका जब आप सॉल्यूशन करेंगे तो क्या होगा, सबसे पहले आप इनपुट क्या करेंगे, तो इनपुट हम करेंगे इसमें क्या, थ्री नंबर्स, नम वन, नम टू, नम थ्री। तो इसमें हम नम वन, नम टू और नम थ्री ये इनपुट करेंगे। आउटपुट हमको क्या चाहिए, आउटपुट हमको चाहिए डिस्प्ले द बिगेस्ट ऑफ द थ्री नंबर, डिस्प्ले द बिगेस्ट ऑफ थ्री नंबर्स। तीनों में जो बड़ा हो वो नंबर हमको प्रिंट में चाहिए। अब देखिए इसकी जब आप एल्गोरिथम लिखेंगे तो इसकी एल्गोरिथम कैसे लिखी जाएगी, तो मान लीजिए आपने यहाँ लिखा एल्गोरिथम, ठीक है। अब एल्गोरिथम में सबसे पहले आपने क्या लिखा, स्टेप वन। स्टेप वन में आप क्या करेंगे, तीनों नंबर पहले आप देखेंगे, रीड नम वन, नम टू एंड नम थ्री, ये रीड कर लिया आपने। अब यहां कंडीशन लगाइए, स्टेप टू में आपने कंडीशन लगाया इफ नम वन इज ग्रेटर देन नम टू, ठीक है। फिर इसके अंदर फिर आप कंडीशन लगाइए 2.1 में, क्या इफ नम वन इज ग्रेटर देन नम थ्री, नम वन इज ग्रेटर देन नम थ्री मतलब टू से भी बड़ा हो गया और उसके अंदर फिर हमने थ्री से चेक किया, थ्री से भी बड़ा हो गया, तो क्या करेंगे हम प्रिंट कर देंगे, प्रिंट नम वन इज ग्रेटेस्ट, नम वन इज बिगेस्ट, ठीक। अब मान लीजिए ये केस नहीं हुआ 2.1 वाला, तो 2.2 में हम क्या कर देंगे, 2.2 में हम कर देंगे एल्स प्रिंट नम थ्री इज बिगेस्ट, थ्री इज बिगेस्ट, क्लियर। और मान लीजिए यही पहली कंडीशन ही फॉल्स है, नम वन इज बड़ा नहीं है नम टू से, तो फिर टू और थ्री को कंपेयर करेंगे, तो यहां पे हम कर लेंगे स्टेप थ्री। स्टेप थ्री में हम क्या करेंगे, स्टेप थ्री में हम करेंगे एल्स, एल्स में फिर चेक करेंगे इफ नम टू इज ग्रेटर देन नम थ्री, तो प्रिंट कर देंगे नम टू इज बिगेस्ट, नम टू इज बिगेस्ट, ठीक है। और अगर नहीं हुआ ये काम तो फिर 3.1 में हम करेंगे एल्स प्रिंट नम टू इज बिगेस्ट, नम टू इज बिगेस्ट, ठीक है। और अगर ये भी नहीं ट्रू हुआ तो फिर हम 3.1 में कर देंगे, एक मिनट, ये नम टू इज बिगेस्ट हो गया, एल्स प्रिंट यहाँ पे नम टू नहीं नम थ्री इज बिगेस्ट, ये हो गया। और फोर्थ स्टेप में हम एल्गोरिथम को एंड कर देंगे। अब इसमें अगर आपको समझना हो कि हमारी एल्गोरिथम सही बनी है या नहीं, तो सपोज कीजिए पहले हमने नम वन, नम टू, नम थ्री में तीन वैल्यूज ले लीजिए आप। मान लीजिए हमने कहा नम वन, नम टू, नम थ्री, ये आ गया सपोज कीजिए 15, ये हो गया 7, ये हो गया से हमने कुछ भी लीजिए इसको ले लिया 12, ठीक। अब क्या होगा, यहाँ से स्टार्ट कीजिए,
उसने चेक किया इफ नम वन इज ग्रेटर देन नम टू, 15 इज ग्रेटर देन 7, तो ये ट्रू हो गया, यहाँ पे आ जाएगा, ये ट्रू हो गया ना, अब यहाँ पे आएगा। अब चेक करेगा नम वन इज ग्रेटर देन नम थ्री, तो 15 इज ग्रेटर देन 12, ये भी सही हो गया, तो वो 15 प्रिंट कर देगा, ये देखिए। ठीक, अब दूसरी एग्जाम्पल आप लीजिए, सपोज कीजिए हमने इसको 17 कर दिया। अब देखिए यहाँ चेक करेगा, अब मैं दूसरा इसीलिए कलर से आपको दिखा रहा हूँ, अब इसको आप देखिए ग्रीन कलर से, ठीक है। इफ नम वन इज ग्रेटर देन नम टू, तो ये देखेगा 15 इज ग्रेटर देन 17, नहीं, तो नहीं का मतलब इसके बाद कंट्रोल आएगा यहाँ पे, समझ रहे हैं। इसके बाद इफ नम इज ग्रेटर देन नम टू, तो 15 इज ग्रेटर देन 17, नहीं, तो ये प्रिंट कर देगा 17 इज ग्रेटेस्ट, और यहाँ पे 17 ग्रेटेस्ट है भी, ठीक है। तो कोई भी वैल्यू रख के आप चेक करेंगे, आपकी एल्गोरिथम जो है ये सही रिजल्ट देगी। तो इस तरह के जो स्टेटमेंट यूज होते हैं, इस तरह के स्टेटमेंट कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं आपके, ये सिलेक्शन स्ट्रक्चर या कंडीशनल कंट्रोल स्ट्रक्चर। अब इसमें एक टाइप का स्ट्रक्चर और रह गया है, वो है लूपिंग। तो लूपिंग को भी हम लोग पढ़ लेते हैं। लूपिंग में क्या होता है, नाउ वी कम टू द थर्ड टाइप ऑफ स्ट्रक्चर, दैट इज कॉल्ड लूपिंग। ठीक है, या इसको इटरेशन भी बोलते हैं, इटरेशन। ठीक है, इसमें क्या होता है कि द इटरेशन स्ट्रक्चर इज यूज टू रिपीटेडली एग्जीक्यूट ए स्टेटमेंट और ए ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट्स। द लूप इज एग्जीक्यूटेड रिपीटेडली अंटिल ए सर्टेन स्पेसिफाइड कंडीशन इज सेटिस्फाइड। मतलब क्या हुआ कि लूपिंग स्ट्रक्चर में क्या होता है कि कोई स्टेटमेंट या ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट, जिसमें कई स्टेटमेंट होते हैं, वो बार बार एग्जीक्यूट होते हैं, बार बार वो एग्जीक्यूट किए जाते हैं, कब तक, जब तक कि कोई सर्टेन कंडीशन जो है वो ना अचीव हो जाए। क्लियर, ये तो हो गया इसका बेसिक। अब इसका अगर हम एल्गोरिथम लिखना चाहेंगे, तो मान लीजिए हमने कहा एक एग्जाम्पल लेते हैं, इसमें क्या करना है, राइट एन एल्गोरिथम दैट फाइंड्स आउट द लार्जेस्ट नंबर फ्रॉम ए लिस्ट ऑफ गिवन नंबर। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे क्वेश्चन ये दिया है कि राइट एन एल्गोरिथम टू फाइंड आउट लार्जेस्ट नंबर, फाइंड आउट द लार्जेस्ट नंबर, कहाँ से, फ्रॉम ए लिस्ट ऑफ गिवेन नंबर्स, गिवन नंबर, कोई आपके पास लिस्ट दी हुई है, उसमें से सबसे बड़ा नंबर आपको प्रिंट कराना है या निकालना है। तो इनपुट क्या होगा, इनपुट होगा लिस्ट ऑफ नंबर, तो आप इसको लिख दीजिए लिस्ट ऑफ नंबर्स, और उसका साइज कि कितने नंबर हैं, जैसे हमने कहा नंबर दे दिया और भाई इसमें 20 नंबर है, 10 नंबर है, जो भी, तो साइज ऑफ द लिस्ट, साइज ऑफ द लिस्ट, ये हो गया। आउटपुट क्या चाहिए हमको, आउटपुट चाहिए डिस्प्ले द लार्जेस्ट नंबर, डिस्प्ले द लार्जेस्ट नंबर, जो लार्जेस्ट नंबर है वो डिस्प्ले कराना है। अब इसमें क्या होगा कि देखिए, इफ देयर इज ओनली वन नंबर इन द लिस्ट देन दैट नंबर इज द लार्जेस्ट। अगर एक ही नंबर दे दिया, हमने कहा यही लिस्ट है, तो जब एक ही नंबर है लिस्ट में तो वही लार्जेस्ट हो गया। तो इस पॉइंट को ध्यान में रखते हुए आपको क्या करना पड़ेगा, द फर्स्ट नंबर रेड बाई द सिस्टम विल बी स्टोर्ड एट लार्जेस्ट, द लार्जेस्ट नंबर विल बी कंपेयर्ड विद द सब्सिक्वेंट नंबर विद इन ए लूप, इफ द न्यू नंबर इज लार्जर देन द करेंट लार्जेस्ट देन द न्यू नंबर विल बी स्टोर्ड इन द लार्जेस्ट एंड द नेक्स्ट नंबर विल बी रेड, दिस प्रोसेस वुड बी रिपीटेड टिल द एंड ऑफ द लिस्ट। तो देखिए इसका लॉजिक समझिए क्या है, कि जो पहला नंबर है, जो फर्स्ट नंबर है, उसी को हमने मान लिया लार्जेस्ट, ठीक। अब फिर उस लार्जेस्ट को हम कंपेयर करेंगे सेकेंड नंबर से, इन दोनों में जो बड़ा होगा, अगर ये बड़ा है तो इसको लार्जेस्ट बना देंगे, और अगर ये बड़ा है तो इसको ऐसे ही रहने देंगे, फिर इसको कंपेयर करेंगे थर्ड नंबर से,
फिर यही चीज होगी, अगर थर्ड नंबर बड़ा है तो इसको लार्जेस्ट बना देंगे, अगर नहीं तो यही रहने देंगे, ऐसे करते करते यही चीज होगी लास्ट तक, लास्ट नंबर तक, ठीक। और लास्ट नंबर अगर बड़ा है तो उसको लार्जेस्ट बना देंगे, नहीं तो लार्जेस्ट को ही लार्जेस्ट रहने देंगे और इसको प्रिंट करा देंगे। ये है इसका लॉजिक। अब इसका अल्गोरिथम हम कैसे लिखेंगे वो आप देखिए। मान लीजिए हमने कहा कि सब, हमने यहाँ पे लिखा एल्गोरिथम, एल्गोरिथम, ठीक। अब एल्गोरिथम में सबसे पहले आप क्या लिखेंगे, स्टेप वन। तो स्टेप वन में हमें क्या चाहिए, स्टेप वन में हमको चाहिए एंटर द साइज ऑफ द लिस्ट। मान लीजिए ये स्क्रीन पे प्रॉम्प्ट आ गया, एंटर द साइज ऑफ द लिस्ट, साइज एंटर हो गया। फिर स्टेप टू में रीड एन नंबर को, ये लिस्ट का साइज एंटर हो गया। फिर हमने कहा आप नंबर एंटर कीजिए, तो हमने कहा प्रॉम्प्ट एंटर द नंबर, ये एंटर हो गया। फिर रीड करेंगे इसको, तो रीड नम, फिफ्थ स्टेप में हो गया काउंट वन, काउंट वन। अब जो पहला नम हमने ये एंटर किया है इसको हमने लार्जेस्ट बना दिया, लार्जेस्ट कर दिया हमने नम को, ये देखिए, ठीक। फिर हमने कहा एंटर ए नंबर, प्रॉम्प्ट हमने दिया प्रॉम्प्ट एंटर ए नंबर, एंटर ए नंबर, ठीक है, ये दे दिया हमने। अब इसके बाद क्या करेंगे, फिर से नंबर को रीड करेंगे और काउंट को जो पहला था अब उसको बढ़ा दीजिए, तो काउंट इज इक्वल टू हो जाएगा काउंट प्लस वन, ठीक है। इस तरह से हम एंटर करने के बाद हम क्या करेंगे, अब यहाँ चेक करेंगे इफ नंबर जो हमने एंटर किया है वो ग्रेटर है किससे, लार्जेस्ट से, तो क्या करेंगे, लार्जेस्ट को ही नम की वैल्यू लार्जेस्ट में डाल दिया, ये किया हमने, ठीक। और इसी काम को हम कब तक करेंगे, इफ काउंट इज लेस देन एन, जब तक लिस्ट के साइज तक नहीं हो जाता ये स्टेटमेंट, रिपीट स्टेप 7 to 10, यानी इनको हम बार बार करते रहेंगे, ये सात स्टेटमेंट नंबर 7, 8, 9, 10 हम बार बार करते रहेंगे जब तक कि सारे नंबर लिस्ट के कवर नहीं हो जाते हैं। उसके बाद हम प्रॉम्प्ट दे देंगे कि द लार्जेस्ट नंबर इज, ये प्रॉम्प्ट आ जाएगा द लार्जेस्ट नंबर इज, ऐसे करके आ जाएगा और प्रिंट कर देंगे हम लार्जेस्ट में जो वैल्यू स्टोर्ड है उसको, प्रिंट लार्जेस्ट, ठीक। और उसके बाद यहाँ एल्गोरिथम एंड हो जाएगी। तो अब आप कि कोई भी वैल्यूज आप एग्जाम्पल के तौर पे लीजिए और स्टेप बाय स्टेप जैसे इस एल्गोरिथम ने समझाया हुआ है आप कीजिए, आप देखिएगा कि हमें लार्जेस्ट वैल्यू प्रिंट हो जा रही है, ठीक। तो इस तरह से जो जैसे यहाँ पे क्या है कि ये स्टेप नंबर 7 से लेकर 10 तक ये तब तक रिपीट होंगे जब तक कि काउंट की वैल्यू एन से छोटी है। तो इस तरह के स्ट्रक्चर को बोलते हैं इटरेशन या लूपिंग स्ट्रक्चर। इसमें एक चीज ध्यान देनी है कि इट इज टू बी नोटेड दैट इफ ए लूप टर्मिनेट आफ्टर ए नंबर ऑफ इटरेशन देन द लूप इज कॉल्ड ए फाइनाइट लूप। जैसे यहाँ पे जो है एन एन के बाद लूप रुक जाएगा ना, तो इस तरह के लूप को बोलते हैं फाइनाइट लूप, जिसमें नंबर ऑफ इटरेशन, नंबर ऑफ रिपीटेशन फिक्स होता है। और अगर जहाँ फिक्स नहीं होता है, इफ ए लूप डज नॉट टर्मिनेट एट ऑल एंड कीप्स ऑन एग्जीक्यूटिंग एंडलेसली देन दैट इज कॉल्ड एन इनफाइनाइट लूप। क्लियर, जब नंबर ऑफ रिपीटेशन फिक्स होता है उसको फाइनाइट लूप कहते हैं, और जब फिक्स नहीं होता है एंड इनफाइनाइटली वो एंडलेस एग्जीक्यूशन होता है दैट इज कॉल्ड इनफाइनाइट लूप।
अब इनफाइनाइट लूप का देखिए, इनफाइनाइट लूप क्यों आता है, जब प्रोग्राम में कोई लॉजिकल एरर होती है, लॉजिकल एरर, तो फिर इनफाइनाइट लूप रन करने लगता है। जैसे फॉर एग्जांपल हमने कहा कि इन द एल्गोरिथम, ठीक है, अगर कोई भी आप जैसे सपोज कीजिए, आपने कहा कि आपने वाई इक्वल टू आपने लिखा एक्स अपॉन जेड, ठीक है, अब वाई की वैल्यू क्या है, एक्स डिवाइडेड बाई जेड, एक्स को आपने कोई इंटीजर दे दिया से 5, जेड को आप कोई इंटीजर दे दिया आपने 1 और 2 और 3 और 10 और 15, कोई दिक्कत नहीं, ये फाइनाइट लूप होगा। लेकिन सपोज कीजिए जेड को आपने दे दिया 0, तो 5 को अगर आप 0 से डिवाइड करेंगे तो जो आंसर आएगा वो तो इनफाइनाइट लूप हो जाएगा ना, उसकी वैल्यू क्या होती है, इनफाइनाइट हो जाती है, तो ये फिर लॉजिकल एरर हो जाता है। तो इनफाइनाइट लूप तब रन करता है जब प्रोग्राम में कोई लॉजिकल एरर हो। तो आई होप कि आपको ये कंट्रोल स्ट्रक्चर तीनों तरह के एकदम क्लियर हो गए होंगे, समझ में आ गए, उसको समझ लीजिए, क्योंकि प्रोग्रामिंग डेवलपमेंट में यही बेसिक चीज़ें होती हैं। अगर आपका लॉजिक क्लियर है फिर उसकी कोडिंग तो आप किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कर लेंगे, ठीक है। तो अगर आपको वीडियो कंटेंट पसंद आ रहा है तो प्लीज़ वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दीजिए, ताकि जब भी नेक्स्ट वीडियो डाली जाएगी उसकी इन्फॉर्मेशन आपको तुरंत मिल जाए। थैंक यू।